हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर हब। जो आपको कोई नहीं बताता वो आपको फ्यूचर हब बताता। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने स्टडी एंड करियर पे बहुत अच्छे से ध्यान दे होंगे। सबसे पहले मैं आज एक बात करना चाहती हूँ, सिविल एग्जाम। बहुत लोगों में ये होता है कि हम सिविल एग्जाम करेंगे, हम बैंकिंग पीओ में जाना चाहते हैं, एसबीआई पीओ में जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, एसएससी की मोस्ट ब्रांचेस होते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल और आपका डीएसडी हो गया। बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारे बच्चे उन सब चीजों में जाना जाता है। पर मोस्टली क्या होता है कि कई बच्चे सोचते हैं हम लोग यार कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग कोचिंग नहीं जा सकते, तो हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। अरे एग्जाम क्रैक करना है तो आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ स्टडीज करिए, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आज मैं एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कुछ बुक रेफरेंसेस लेके आई हूँ, एग्जाम पैटर्न लेके आई हूँ, एग्जाम का वे लेके आई हूँ, एग्जाम पैटर्न मार्क्स पर और आपके मार्क्स लेके आई हूँ। नेगेटिव बताऊंगी, पॉजिटिव बताऊंगी, बुक्स बताऊंगी, आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस पेपर बताऊंगी, टाइमिंग बताऊंगी। तो आज मैं इन सब चीजों को आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ साथ ये वीडियो मेरा लंबा होगा, इससे ये वीडियो मेरा तीन पार्ट में आएगा। फर्स्ट में मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगी, सेकंड और थर्ड में मैं बुक्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी। तो आप मेरे इस वीडियो के तीनों पार्ट देखिए। इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसका एग्जाम पैटर्न। जैसे कि आपको पता है मोस्टली इसमें चार पार्ट होता है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये चार पार्ट में मोस्टली एग्जाम होते हैं, कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं फाइव पार्ट्स में होते हैं, तो उसमें हिंदी इंक्लूड हो रही है, पर मोस्टली चार पार्ट में होते हैं। हिंदी बहुत कम पेपर्स में होती है, तो वो एक ऑप्शन है हिंदी, ठीक है। सबसे पहले कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सब में 25 क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं सब में, ठीक है। और मार्क्स मोस्टली आपको 50-50 होते हैं, कई 25-25 होते हैं। जो 100 का पेपर होता है वो 25 मार्क्स भी होते हैं, 100 का भी होता है ये आपके लिए। तो अलग अलग पैटर्न में अलग अलग है। और इसकी नेगेटिव परसेंट, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव आपकी 1/4 जाती है, 1/4, ठीक है। अगर मान लीजिए 200 का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो 1/4 मार्किंग जाती है, यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 मार्किंग फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव किया। तो आपको अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक मिलेंगे, दो नंबर का क्वेश्चन है तो दो मिलेंगे। इसके साथ टाइमिंग मोस्टली 60 मिनट्स होता है, मोस्टली आपको हर पेपर में 60 मिनट मिलेगा। अब आते हैं कि पैटर्न, मतलब ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, तो आजकल ज्यादातर पेपर ऑनलाइन ही होते हैं, जिसे हम सीबीई बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में मैं आपको बुक्स बताऊंगी, बुक रेफर करूंगी और उसके बारे में बताऊंगी कि आपको फर्स्टली कौन सी बुक रीड करनी है, सेकेंडली कौन सी बुक पढ़नी है। तो इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू पार्ट टू।